हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये होंडा रिबॉर्न गाड़ी का पावर स्टीयरिंग पंप चेंज करने जा रहे हैं। पावर स्टीयरिंग पंप की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी गाड़ी में, तो चेंज करेंगे हम पंप और साथ साथ आपको दिखाएंगे इसका क्या प्रोसीजर है और साथ साथ इसकी कीमत भी आपको बताई जाएगी। तो पावर स्टीयरिंग ऑयल की ये बोतल हमने निकाल दिया बाहर, तो इसको भी हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। और ये हम पावर स्टीयरिंग पंप भी लेके आए हुए हैं मार्केट से, और एब्रो का पावर स्टीयरिंग ऑयल भी लेके आए हैं। ये हमने पुराना पावर स्टीयरिंग ऑयल गाड़ी में से सारा निकाल दिया है। और ये पंप है जो कि मार्केट में थाईलैंड का कह के चलता है या चाइना वगैरह, खैर बहुत अच्छी क्वालिटी का पंप था, तो ये हमें मार्केट से मिला 18,000 रुपये का। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रेशर है इसका। और साथ में ये एब्रो का पावर स्टीयरिंग ऑयल जो कि मेड इन यूएसए है, ये हम लेके आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मेड इन यूएसए, 1800 रुपये का 1 लीटर आया है, जो कि तकरीबन 1 लीटर सारा ही गाड़ी में डल जाएगा, क्योंकि क्योंकि पुराना जो होता है वो सारा हमने निकालना होता है। तो ये अभी हम इसका पुराना पंप, पावर स्टीयरिंग पंप जो गाड़ी में लगा है वो हम निकाल रहे हैं, पुराना पंप इसका हम बाहर निकाल रहे हैं, और इसके जो पाइप्स जो होते हैं वो हम बाहर निकाल रहे हैं, जितने मैक्सिमम पाइप बाहर आ जाएंगे। तो पाइप्स को हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। ये पंप हमारा बाहर आ गया, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था, शायद गाड़ी का जैनवन ही अभी तक जा रहा था। और ये हम नया पंप जो लेके आए हुए हैं, ये है बिल्कुल पुराने पंप के साथ मिलता है, इवन के इसकी स्टैम्प्स वगैरह और फिनिशिंग वगैरह भी सारी बिल्कुल नए की तरह ही है, जैसे एक पुराने पंप की तरह है, उसके साथ मैच करता है। तो अब ये हम इसकी पावर ऑयल की बोतल को हम वॉश कर रहे हैं, सर्फ के साथ पहले वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसे पेट्रोल के साथ हम वॉश करेंगे। तो इसमें यह है कि क्योंकि सर्फ के साथ करने का ये मकसद है कि इसके अंदर चिकनाहट वगैरह बिल्कुल ना रहे, इसकी सारी चिकनाहट वगैरह बाहर आ निकल जाएगी, और सर्फ के साथ अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको हम पेट्रोल से वॉश करेंगे। तो इसके अंदर एक जाली होती है, बहुत बारीक जाली होती है, उसका बड़ा एहतियात करना होता है कि वो जाली ना टूट जाए। और ये इसका पावर स्टीयरिंग का मेन पाइप है जिसके थ्रू पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है स्टीयरिंग असेंबली में जाता है, इसको भी हम वॉश करेंगे बड़ी अच्छी तरह से। इसको हमने पहले सर्फ के साथ धोया, उसके बाद पेट्रोल के साथ हम इसे धो रहे हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है। जितने पाइप इसके इजीली बाहर आ जाएं उन सबको अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो ये पाइप भी वॉश हो गया, और अब हम ये है कि पावर स्टीयरिंग पंप नया जो है वो गाड़ी में फिट कर रहे हैं। तो होता तो खैर काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी टाइम वाला काम है। तो ये अभी हम इसका पावर स्टीयरिंग पंप लगा रहे हैं, और उसके बाद जिस जिस तरह से हमने पाइप वगैरह खोले थे वो उसी तरह एज इट इज़ फिटिंग कर लेनी है। गाड़ी की फिटिंग इस टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डाला जा रहा है। तो 1 लीटर पूरा इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डल जाएगा, क्योंकि हमने पुराना इसमें से निकाल दिया था बिल्कुल अच्छी तरह से। अब गाड़ी इस टाइम स्टार्ट करी है, और बिल्कुल गाड़ी इस टाइम अपनी जैनवन आवाज़ में आ चुकी है, जैनवन इंजन की आवाज़ में, कोई इसमें किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। तो इस पर जो टोटल हमारा एक्सपेंस आया था 18,000 रुपये का पावर स्टीयरिंग पंप है, और 1,800 रुपये का इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल है। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें।